गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ गुलाब बाग बाग गार्डन के बाहर। अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे, हम आपको दिखाएंगे गुलाब बाग। और गुलाब बाग के मैं और बता दूँ कि महाराजा फतेह सिंह ने 1887 में इस गार्डन का निर्माण किया था। इसको आप सज्जन निवास गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है गुलाब बाग। उदयपुर का ये बहुत ही बड़ा पार्क है और राजस्थान का ये चौथा सबसे बड़ा पार्क है। चलिए आइए चलते हैं गुलाब बाग, हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये गुलाब बाग का मेन एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपको सारी बहुत सारी पराठियों की दुकान मिलेंगे। अगर आप नाश्ता वगैरह या ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं गुलाब बाग। ये देखिए, देख सकते हैं आप, आज सुबह से बारिश हो रही है लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। गुलाब बाग में एंट्री ले चुके हैं, चलिए आइए चलते हैं अंदर, फिर बात करते हैं आपसे। वैसे तो ये पार्क हरा भरा है ही है लेकिन बारिश होने के कारण और भरा हरा भरा हो गया है। यहाँ पे सैलानियों की कमी नहीं रही है, देश विदेश से बहुत सारे सैलानी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना, ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे चार एंट्री गेट है लेकिन जो मैंने जो प्रवेश किया था वो मेन एंट्री गेट से प्रवेश किया था। यहाँ पे आपको चार एंट्री गेट चारों तरफ से मिलेंगे। तो उदयपुर सिटी में आप आइएगा तो गुलाब बाग ज़रूर घूमिएगा। एक गुलाब बाग के हम चौराहे पे आ गए हम, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था यहाँ पे चार एंट्री गेट है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट एंट्री गेट, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट एंट्री गेट जहाँ से मैं आया, ये सेकंड एंट्री गेट, ये थर्ड एंट्री गेट और ये है फोर्थ एंट्री गेट। तो यहाँ पर आप चार एंट्री गेट आपको मिलेंगे गुलाब बाग में। गुलाब बाग काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। अगर आप गुलाब बाग में आते हैं आपको कम से कम 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक समय चाहिए गुलाब बाग घूमने के लिए। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है गुलाब बाग। गुलाब बाग में आप जब भी आइएगा, यहाँ पे सॉन्ग हमेशा चलते रहते हैं, देशभक्ति के गाने चलते रहते हैं, भारत माता की जय जयकार यहाँ पे होती रहती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह से गाना चल रहे हैं, ये आप गाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं, गाना चल रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो उदयपुर की महारानी थी उनकी मूर्ति है ये। गुलाब बाग में आइएगा, यहाँ पर एक हनुमान मंदिर भी है। यहाँ पर हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन मैं कर चुका हूँ और आप भी आइए, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जब इस गार्डन का निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने 1887 में करवाया था तब उन्होंने यहाँ पर इस गार्डन में सिर्फ गुलाब ही गुलाब लगाए थे। लेकिन समय के साथ साथ आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप गुलाब बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ के आप सीनिक देख सकते हैं, यहाँ के जो सीनरी देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन है। देखिए यहाँ का सीनरी देखिए आप, ये देखिए। आपको बता दें कि गुलाब बाग में कभी नैरो गेज ट्रेन भी चलती थी लेकिन समय के साथ ये ट्रेन सेवा अब समाप्त हो गई है। अब इसके जो है अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए ये नैरो गेज ट्रेन पहले यहाँ चला करती थी, अब ये ट्रेन ही नहीं होती। ये जो ट्रेन है ये गुलाब बाग के चारों चक्कर लगाती थी और ये रेलवे स्टेशन भी है इस गुलाब बाग में, रेलवे स्टेशन है, स्टॉपेज हुआ करती थी और यहाँ पर लोग रुकते थे। और रुकने के बाद गुलाब बाग में जगह जगह और छोटी छोटी पार्क है, उनके वो लुप्त उठाया करते थे, उनको देखते थे, उन पार्कों को
यहाँ पे वो जो है सैर सपाटा करते थे, लेकिन अभी समय के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नैरो गेज ट्रेन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नैरो गेज ट्रेन ट्रैक, लेकिन समय के साथ ये धूमिल हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये बनाया गया था, क्योंकि ये आज से 100 साल पहले ये नैरो गेज ट्रेन बनाया गया था, लेकिन क्या कारण था ये नहीं था ये आपके उसके लिए आप विकिपीडिया करिएगा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं है। तो ये नैरो गेज ट्रेन गुलाब बाग के चारों तरफ से चला करती थी, लेकिन अब नहीं है। रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन रेलवे स्टेशन भी अब जो है ना समाप्त हो गया है। जैसे कि धनुषकोड़ी का रेलवे स्टेशन 1964 में समाप्त हो गया है। जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली, नगर निगम उदयपुर। जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली, ये कहना है नगर निगम उदयपुर का। हाँ, मैं बात कर रहा था नैरो गेज ट्रेन की। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, नैरो गेज ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो गुलाब बाग में नैरो गेज ट्रेन चला करती थी, लेकिन अभी इस समय ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में नैरो गेज ट्रेन जो है ना अभी भी तीन जगह चल रही है, वो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, कालका शिमला टॉय ट्रेन और नीलगिरी मांडवन ट्रेन टेल, और तीनों के तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों लॉन्ग रूट पे चला करती है, लेकिन ये जो है नैरो गेज ट्रेन जो गुलाब बाग में अभी मैं आपको दिखाई है वो समाप्त हो गई है, ये गुलाब बाग का ही चक्कर लगा देती। गुलाब बाग परिसर के अंदर आपको एक बावली भी मिलेगी जो महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनाया गया था, और ये बावली आप देख सकते हैं अभी इस समय बारिश के कारण पानी से भरा हुआ है। मैं आपको बावली दिखा देता हूँ, ये गुलाब बाग के बीचों बीच में परिसर के अंदर ही है ये बावली। ये अंदर बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा है अंदर, लेकिन अभी बारिश के कारण ये पानी भर चुका है। आपको बावली के बारे में पता ही होगा कि कितना पानी भरा जाता है इसमें। ये है जो मैंने आपको बताया था नैरो गेज ट्रेन, उसी नैरो गेज ट्रेन का यहाँ पर रेलवे स्टेशन था कभी, लेकिन अभी रेलवे स्टेशन नहीं है, अभी इसको पार्क में सुसज्जित कर दिया गया है। ये देखिए अंदर पार्क ही पार्क है, रेलवे स्टेशन नगर निगम उदयपुर, ये गुलाब बाग के अंदर स्थित है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, जो नैरो गेज ट्रेन की गुलाब बाग के अंदर चक्कर लगाया करती थी ट्रेनें, उसी ट्रेन की है यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन समय के साथ साथ ये भी है ना ध्वस्त हो गया है, और इस रेलवे स्टेशन को अभी पार्क में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए मैं आपको उस रेलवे स्टेशन के अंदर ले चलूँगा और आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं गुलाब बाग रेलवे स्टेशन नैरो गेज। कभी ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अभी समाप्त हो गया है। अभी ये बच्चों के आमोद प्रमोद के लिए एक पार्क बना दिया गया है। देखिए हाथी झूले, इधर भी हाथी है। किसी एंगल से लगता नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन था कभी, लेकिन सच में ये रेलवे स्टेशन था। कि परिवर्तन करने में किसी इंसान को, किसी सरकार को या किसी सल्तनत को कोई टाइम नहीं लगता परिवर्तन करने में। काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के साइड में। गुलाब बाग के एक परिसर में और आ गए हम। यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं फव्वारे, कलकल बहता हुआ पानी, झरना, कलकल बहता हुआ झरना आप देख सकते हैं। एक और जगह पे हम आ गए हैं, बीच में यहाँ पर है गांधी जी की प्रतिमा। चलिए आइए गांधी जी की प्रतिमा की तरफ चलते हैं। खूबसूरत है गुलाब बाग, कभी सोचा नहीं था। दोस्तों मैं पहली बार आया हूँ, ये सामने ही मेरे गांधी जी की प्रतिमा है। वाह, देखिए टूरिस्ट लोग आ रहे हैं इधर। वाह, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़, इसी पहाड़ के ऊपर महाराणा प्रताप सिंह जी का समाधि है।
और उनके समाधि के ऊपर चेतक का घोड़ा भी है, जो उनके महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था वो चेतक, उनकी समाधि के ऊपर उनका घोड़ा का भी प्रतिमा बना हुआ है। तो ये जो आप रास्ता देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये उनकी समाधि की तरफ जाता है और वहाँ पे आप सनसेट पॉइंट भी देख सकते हैं। गुलाब बाग के अंदर आप देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा, उसके पीछे आप देख सकते हैं एक म्यूजियम भी है। ये म्यूजियम किस लिए है मैं आपको बता दूं, ये जो महाराणा फतेह सिंह था उन्हीं के बारे में ये म्यूजियम है, उन्हीं की जो कलाकृति जो भी है चिन्ह वगैरह उन्हीं के बारे में ये म्यूजियम है। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे गुलाब बाग में लगा। ये देखिए गांधी जी की प्रतिमा, पीछे म्यूज़ियम और इधर देखिए फव्वारे यानी कि फाउंटन और ऊपर महाराणा प्रताप जी की समाधि और समाधि के ऊपर चेतक का घोड़ा। लेकिन वह दिख नहीं रहा होगा आपको, काफ़ी दूर है, उसके लिए आपको अलग रूट तय करना पड़ेगा। ये देखिए मैं बीचों बीच आपको जाके दिखा देता हूँ, चारों तरफ पानी पानी है। ये देखिए चारों तरफ से फाउंटेन चल रहा है, 1, 2, 3 और ये 4। जयपुर अगर आते हैं और गुलाब बाग नहीं आते तो आपका सफर अधूरा है। दोस्तों इसी के साथ मैं आ गया हूँ वीडियो के अंतिम पड़ाव में, क्योंकि ये गार्डन बहुत बड़ा है। इस गार्डन को मैंने पूरा का पूरा गार्डन कवर कर लिया है और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर आना संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और इस गार्डन के बारे में जो भी जानकारी है आप प्राप्त कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई भी जानकारी गलत लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमियाँ थी, मैं ताकि आगे चल के अपनी वीडियो में सुधार ला सकूँ। क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों की सहायता से मैं ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स और सोर्स इकट्ठे कर सकूँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ रिसोर्स और सोर्स इकट्ठे करके बनाता हूँ, ऐसे ही मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम नहीं तो 2-3 दिन रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं कहीं जाके वीडियो बनाता हूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करती है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।